हाँ तो प्रिय सज्जनों, ये ढोला नलकी औखा आपकी सेवा में जो पेश हो रहा है त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से, गायक हैं हरिराम गुजर अलावड़ा अलवर राजस्थान, स्वर दे रहे हैं रूप सिंह पपैया, श्रीवान सज्जनों। आज राजा नल और दमयंती रानी मनसुख के महल से आधी रात के वक्त निकल के एक जंगल में पहुंच गए। एक नदिया के किनारे बैठ जाते हैं। नल कहता है रानी दमयंती से, रानी बनावे ओ हाथन ते टेवा और रामन आए कब कहो जान की प्राणन की देवा। रावण इस बात को नहीं सोचता था कि मैं सीता का हरण करके लाया हूं, ये प्राणों को ले लेगी। बिगड़ गई धोखे में घानी और समदरिया कब कहो हमारो खारो होए पानी। समुद्र इस बात को नहीं सोचता था कि मेरा पानी खारा हो जाए, लेकिन जो कर्मों में जो लिखा हुआ होता है, जो विधि का विधान है, वो ना मिट सके है, वो नहीं मिट सकता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि हंस बोले रघुवंश कुमारा और विद के लिखे को मेटन हारा। क्यों कर तरक बढ़ावे साखा, क्या लिखा है तुलसीदास जी ने, हरे क्यों करी तरक बढ़ावे साखा, होगा वही जो राम रच राखा। राम श्री राम, राम भजो राम, राम श्री राम। रानी ये कर्मन की विधि का विधान है, कर्मों के लेख है, इसको कोई नहीं मिट सकता। रानी के हाल को देख के राजा नल के दिल में कच्ची बात आ गई। अरे विपता तो इंद्रदेव ने मेरे ऊपर डाली है, लेकिन ये मेरी बरनी दमयंती रानी ये काय को बिचारी इतनी विपता झेले। नल के दिमाग में ये आ गई कि इसको सोती हुई को छोड़ जाओ, जिससे ये अपने बाप के यहां पहुंच जाए। बिल्कुल नल कह रहा है रानी, अरे निंद्रा आए रही है मोकू बरनी, निंद्रा बहुत सताए रही है बरनी, मैं समझाए रहे हो तो कू, और आज नदी पे हो प्राणन प्यारी सोलन गए तू वो नल शिव को बरदायनी, और चीर ओढ़ के संग में सोए गई देख तुम्हें तीरानी। चादर वो पटरानी समझ ले, चादर वो पटरानी संग में सो रही जाना तुम्हें रानी। गहरी निंद्रा दोनों राजा रानी नदी के किनारे सो गए थी तो, अरे गहरी निंद्रा आ गई भैया, लगन ले गए अब जाड़ो,
और नारद में पिय सोती छोड़ के राजा है गयो ठाणो, राजा है गयो ठाणो जागिरा, राजा है गयो ठाणो, ओ राजा है गयो ठाणो समझ ले, राजा है गयो ठाणो, नारद में पिय सोती छोड़ के ठाणो है गयो राजा। रानी दमयंती सो रही है, राजा नल खड़ा हो गया और सोच रहा है मेरे ऊपर या रानी ने, मेरे ऊपर या रानी ने सब कुनवा तज दियो और छोटी छोड़ के भी बदलारिये राजा जब चल दियो, राजा जब चल दियो समझ ले, राजा जब चल दियो, ओ राजा जब चल दियो देख ले, राजा जब चल दियो सजनों। राजा नल की छाती फट रही है वैसे तो कि मेरे ऊपर पूरो कुटुंब कबीला तज दियो, मेरे ऊपर बैर इंद्र ते कियो, मैया की नय मानी सीख और मेरे ऊपर घर घर की खाई मांग के ठीको। आज मैं इस रानी दमयंती को कैसे सोती छोड़ के जाऊं, लेकिन छाती पे वज्र की शिला को रख करके राजा नल रानी दमयंती को सोती हुई छोड़ करके चल देता है। अच्छो वन के अंदर प्रवेश कर गया राजा नल। अब रानी दमयंती सोती हुई खड़ी हुई है तो अपने पति को पास में नहीं देखा है, रोने लगी है, बिलाप करने लगी है, क्या कह रही है, अरे ठाड़ी जो तो पेट पकड़ के रे, रानी दमयंती अपने पति को पास में नहीं देखती है, अपने पेट को पकड़ लेती है, आत्मा में घाव हो जाता है और सोच रही है, क्या सोचती है भैया, अरे ठाड़ी जो तो पेट को पकड़ के रे, नैना ने ते तो बंदी गई है जलती धार, के आंखों से जल की धार बहने लगी है और कह रही है, क्या कह रही है, हो क्या कह रहा मेरा जंगरा, अरे मेरे विकट बनी में, हो तेरी विकट बनी में कितकू चले गए बार तार, ए मेरे बिकट बनी में कितकू चले गए बार तार, मेरे बिकट बनी में कितकू तो चले गए बार तार, अरे याद कर कर पिया की, याद कर कर बालम की छाती के फट रहे बजर की वार, ए याद कर के पिया की छाती के फट रहे बजर की वार, याद कर के रसिया की छाती के फाटा की वार, कर कर ख्याल रोए गई रानी डर के दो नैनन ते पानी, तेरे ऊपर सब तज दियो, अरे मेरे पति महाराज मैंने तेरे ऊपर मेरी माता की सीख को भी नहीं माना, पहले मेरी इंद्र के भई सगाई, इंद्र बेरी पे आचौनाए पराई, मैं तो तेरे संग में आई,
जब हंसा कर गए सगाई, रानी गई है बनी में रो। कितकू चले गए वो दुखिया को छोड़ के पत नरवर भारे, संग में अनहोनी सी भैया। मेरो तो मन तेरे ही संग में पिया लगीगा। ए इंदर पेरी पे लड़ाई ना एक मैंने आगो, मेरो तो मनो सांगा तेरे में लागे। ए लग गयो लग गयो लग गयो लग गयो सांगा तेरे में या लागेगा। इस प्रकार से पश्चाताप करती है रानी दमयंती और उस वन के अंदर बैठ जाती है। क्या कहती है कि कहां जाऊं, कितकू जाऊं, कैसे जाऊं, अब क्या करूं। उधर राजा नल उस वन के अंदर से काशी में पहुंच जाता है। यहां ऋतुपर्ण राजा के टीकम राजा जिसको कहते थे, वहां काशी में पहुंच जाता है राजा नल। और इधर रानी बावरी सी है गई अपने पति के वियोग में, उस वन के अंदर से घूमती हुई चलती हुई अपने पति को ढूंढती हुई एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां लाखा बंजारा अपने डेरे को लिए हुए पड़ा था। उस डेरे को देख करके रानी दमयंती सोचती है कि चलो यहां इनसे बात करते हैं। तो रानी उस डेरे में पहुंच जाती है। अच्छा, जब लाखा बंजारे ने रानी दमयंती को रूप देखो तो दिमाग बिगड़ गया। अच्छा जी, क्यों? कि रूपवती थी रानी दमयंती। हम है या देखकर तो हर आदमी को दिमाग बिगड़ जाए भाई। पूनू को सो चंद्रमा होरी किसी झर, गिरहारे ने ते देख देख के दुनिया जाए मर। बिल्कुल, लंबी भुजा कैसी थी दमयंती रानी बताइयो। लंबी भुजा कमर पे ते पतरी चलत में मान गजन के मारे, सुआ किसी नाक हंस को सो गर्दन केस परे जैसे भौरा कारे। पतरे होठ दांत चामर से मुख में पान के काम करारे, तरुआ लाल फीणीन पे ते पतरी पाम धरे बीते झनकारे। नैना नींबू की सी फार टूणी ते नीचे तनक न हारे, भाई बालाजी वारे ऊपर हले हंस की नारो। रानी दमयंती के रूप को देखकर के लाखा बंजारे का दिमाग बिगड़ गया और कह रहा है वो क्या कहता है। अरे तेरी तो कहा गई संग सहेली, लाखा बंजारा कहता है रानी दमयंती से। और के ओ तेरी कित गई संग सहेली, वन में क्यों रही घूम अकेली। अरे वन में नार अकेली डोले इतनो परन निभाए ले, हो वन में नार अकेली घूमे इतनो परन निभाए ले। और काऊ बात को दुख नाए दंगो वो ये बलम बनाए ले। बनाए ले आज देखे एक पतिव्रता औरत
से कैसे अब शब्द बोल रहा है वो लाख बंजारा और के कौवे बात को दुख मत पइयो बैठी बैठी हुकम चलियो तेरो मन आवे सो खइयो मेरी पलकन पे बैठी रहियो अरे मेरी बन जइयो पटरानी ऐसे कह बन जा रो वानी थाड़ी सुनता दुमह तीरानी हरी राम गुर्जरियो कहता दुनिया की बीमारी और पति भरता रानी को भैया दे तो गीदरा गारी जब लाखा बंजारे के मुख से ऐसे अपशब्द सुने हैं रानी दमयंती ने तो रानी कह रही है अरे बंजारे एक में भगवान की सताई हुई विपता की मारी हुई एक अबला औरत तेरे डेरे में आकर के पहुंच गई तू मुझको अपनी रानी बनाना चाहता है एक बात सुन बंजारे कौन सी जो मर्द दूसरी औरत से संभोग करता है उसको 8 नुकसान होते 8 नुकसान फटल जात रानी को ही यो और मर्द को ज्ञान औरत ने दियो अब उस बंजारे के लिए ज्ञान दे रही दमयंती ने 8 नुकसान होते हैं 8 कौन कौन से गिन के बताऊं और का बजाओ जी कहरवा काया में ते चाम जाए हित में ते बाम जाए गाठ में ते दाम जाए रूप जाए अंग ते कह गई लल्लू चार है के काया में ते चाम जाए अरे शरीर घटता ही है बढ़ता नहीं है पहुंचे सुराग भी मान जाए अब हमारे मुन्ना भाई साहब देख लो खूब मोटे है रे और कहा काया में ते चाम जाए शरीर घटता है हित में ते बाम जाए अपनी औरत से हित हट जाता है गांठ में ते दाम जाए अरे बिना पैसा कौन माने भाई ये सभी तरह के जुगाड़ हुए बिना पैसा के भी जुगाड़ रहे बिल्कुल आत्मान के जुगाड़ ना हुए 8 नुकसान बता रही है दमयंती और काया में ते चाम जाए हित में ते बाम जाए गांठ में ते दाम जाए रूप जाए अंग ते अच्छो सब कर्म जाए बिरादरी की शर्म जाए अपनो सब धर्म जाए परत्रिया प्रसन्नते कह कह गे सात है गे सात 8 हुए भी बता दूं बताइयो अरे जो कोई नीत दूसरी पे डारे वो नर दोनों ही कूढ़ा हारे तेरी बहन की चांद मारू ये गायक के लिए ऐसा होना चाहिए और ये कैसेट है ये सभी प्रांतों में बजती है इसको सभी लोग अच्छे बुरे सभी सुनते हैं गायक के लिए तो ऐसे शब्द कहने चाहिए जिससे कुछ शिक्षा मिले बिल्कुल ये भी तो शिक्षा की बात है और तू दुनिया बिगाड़ रहा है तू दुनिया बिगाड़ने की बात ना है और क्या अरे भजन करंता नरक परंता इंद्री जीत कसाई प्रक्रिया से नह करे जो सुरपुर में पद पाई अच्छा वो इन वातन बंदा जो कहा कौन से शास्त्र में लाया भैया है निकार के ये भगवान समर के ही वातन में खिपके सब भैया दुनिया मत बिगाड़ो दुनिया बिगड़वे की बात ना ही सुधर जाएगी दुनिया रानी दमयंती कह रही है लाखा बंजारे से एक बात और सुन ले कि तू नहीं है मनुष्य नहीं है तू आदमी नहीं है मनुष्यों के ये कर्तव्य नहीं होते कौन है तो तू है पटक पोदना कैसे ये पटक पोदना ना जाने तू भाई हमने तो ना देख पटक पोदना ना जान तो हुए को थोड़ी उम्र को छोरा है अभी तो बालाजी माऊ को तो बूढ़े बूढ़े इनको न्यू पता ना है कि बैयरबानी रूस है जब कौन सी चीज हले पटक पोदना एक 50 ग्राम को जानवर रहे वा के तनु का से पाम रहे पतरे पतरे वा को घेसवा कह तो कातक के महीना में झुंडेन में मिलेगो के डडियान के पेड़ में मिलेगो के छोकरा में मिलेगो
अपने घेसुआ में गिढ़ोवा की माटी रखे, 50 ग्राम को जानवर है जाको नाम है पटक पोदना, पर अपने घेसुआ में जब सोता है तो वो ऊपर गुपामन करके सोवे क्यों, क्यों? उसके दिल में ये होता है कहीं ऐसा ना हो तू सो जा रही बादर गिर जाए दुनिया दबके मर जाए, तो पतले पतले से पाम रहे तनु का सिपामन ऊपर करके सोता है वो। भारी पेड़ द्रव को कह रहो पगपंची घिसवा धरो, पगपंची भी उसी को कहते हैं ठीक। भारी पेड़ द्रव को कह रहो पगपंची घिसवा धरो, पटक पोदना नाम सोवे अपने नींद में करू ऊपर पावो। वो कहता है वो पगपंची कब करू पर कुपाम नहीं हूं किसी से घाटू, और आसमान गिर जाए तो 2 घंटा पामन पे डाटू। तरु का से पामरे पर घमंडित न बादर गिरेगा तो सारे पामन पे डाट लाऊंगा, इतने दुनिया भग जाएगी धरती पे थे। अरे सारे भग कहां जाएगी धरती पे थे, धरती पे थे फिर बादर की चार गांव गिरेगा तो। और वह पटक पोदना कहता है समंदर युद्ध करे तो भरवर चौसर के पश्चिम में फेंक्या धरुष तू अमर मऊ, 50 ग्राम को जानवर है न्यू कहे समंदर में तो युद्ध करवे लग जाए तो चौचन ते खिलाए दू गोहंदे। तो दमयंती कह रही है तू तो छोटो जानवर है तू तो पटक पोदना है वो तो फानी मिलाऊ। हाँ, कमजोर आदमी कमजोर तो है पर लपक बहुत है। हाँ वही तो है पटक पोदना ही तो है। तो रानी दमयंती क्या कह रही है देखो हाथ जोड़ करके क्या कहती है। जोर के और दमयंती कह रही विपता में तेरो लियो ए सहारो, ए विपता में तेरे लियो सहारो, विपता में तेरे लियो सहारो, अरे हाथ जोर के गानी कह रही विपता में तेरो लियो सहारो। और अमृत जानो तू तो निकरो बिसियर कारो, तू तो निकरो बिसियर कारो, तू तो निकरो बिसियर कारो, अरे मैंने तो अमृत जानो तू तो निकरो बिसियर कारो, अरे मैंने जानी। रानी दमयंती कह रही है अरे भैया मैंने तो यूं जानी थी तो अरे मैंने जानी मेरी विपता कट जाएगी और भैया जान तेरो लियो सहारो, भैया जान तेरो लियो सहारो, भैया जान तेरो लियो सहारो, अरे मैंने जानी विपत कटेगी, अरे मैंने जानी विपत कटेगी, भैया जान तेरो लियो सहारो। अरे भैया कहते मेरो मोह सूखे भैया बेरी बने घरवारो, भैया बेरी बने घरवारो, भैया बेरी बने घरवारो, अरे भैया कहते अरे भैया भैया कह सुखे भैया पापी बने घरवारो, अरे तेरे ऐसे खुल जाएंगे भागो और जो मुँह पे पाप बिचारे गो बंजारे भैया तेरे डेरा में लगाए दूंगी। दमयंती को ऐसे क्रोधित देख करके लाखा बंजारा कहता है एक बहन मैंने तो भूल में और गलती से आपसे अपशब्द कह दिए, आओ तुम मेरी धर्म की बहन हो, धर्म की बहन बना लेता है और पूछता है लाखा बंजारा कि बहन तुम कहां की रहने वाले हो, किस राजा की बेटी हो, किसकी घरवाली हो। कहती है क्या कहती है? राजा नल है पति हमारो और समझ कर को राजा भीम है पिता हमारो। भैया मेरी सुन ले ध्यान लगाए, अरे तेरो गुण ना भूलूंगी लाखा भैया मोए दे पिता के शहर में पहुंचाए, अरे भैया तेरो गुण नहीं भूलूंगी तू मोए समन शिखर में पहुंचाए दे। सो 20 जवान भेज करके लाखा बंजारे ने रानी दमयंती को समन शिखर में भेज दिया। जब कत रानी दमयंती समन शिखर में आई है रानी कमल दे बैठी है महल में, रानी दमयंती की मैया और राजा भीम पिता से मिली है तो रानी कमल दे के आंखों में आंसू आ गए अपनी बेटी को देख करके और कही अरे बेटी मैंने तो तू शादी से पहले ही तुझे समझाया था कि राजा नल के साथ में शादी मत करे, अरे बेटी मैंने तुझे इंद्र के लिए शादी करने को कहा पर तूने नहीं मानी, आज तू घर घर की विपता काटती डोल रही है। क्या कह रही है? हाँ
राज रानी कमल दे ने अपनी बेटी को गोदी में बैठा लियो और कहने लगी है, बेटी मैंने तुझको पहले ही समझाया था कि तू राज अनिल के साथ में शादी मत करे, लेकिन तूने मेरी एक बात को नहीं माना। मैं तो चाहती थी कि मेरी बेटी इंद्र के साथ में शादी करे तो इंद्रानी बन जाए, लेकिन बेटी तेनू मेरी एक बात को भी नहीं माना। दमयंती कह रही है, मैया काय को बेकार की बात कर रही है। अरे ये तो बहमाता ने, श्री ब्रह्मा ने पहले ही योग बना दिया था। हाँ, विधि विधान बताए, विधि विधान पहले ही बना दिया था। और मेरी जोड़ी तो, मेरी जोड़ी का संस्कार तो राज अनिल के साथ में था ना। बिल्कुल। अब एक काम कर रहे मैया। कौन सो मैया, मैं तेरे गुण को नहीं भूलूंगी, तू मेरी इतनी कहन को निभा दे अपनी बेटी पे प्यार करके। बेटी कौन सा काम है वो, क्या बताया? बताइयो। अरे गोदी में बेटी ले लई है, इतना परन निभाए दे और मेरे पति ते मैया मोए बेग ते बेग मिला दे। बिना पति के ना बचूंगी, रानी दमयंती कह रही है अपनी मैया कमल दे रानी से, एक मैया जब तक मेरो पति मोए ना मिलेगा तो मैं बच नहीं सकती। मैं बिना पति के ना बचूंगी, जे मोए ना मिलो बलम हमारो तो मैया मैं तो प्राण तजूंगी। अरे देश देश में हंस भेज के सब भूपन ने बुलवाए ले, हंसन को भेज दो सब देशन में और सारे देशों के राजाओं को इकट्ठा एकत्रित कर लो। क्या करिए दमयंती रानी? अरे देश देश में हंस भेज सब भूपन ने बुलवाए ले और मात स्वयं वर करवाए दे मेरो इतनो परन निभाए ले। रानी दमयंती हाथ जोड़ के अपनी मैया की गोदी में प्यार से बैठी और रोई रोई के कह रही है, अरे मैया मेरे पिता से कह करके देश देश में हंस भिजवाए करके सारे देश के राजाओं को बुलवा लो और मेरे एक स्वयंवर करा लो। और स्वयंवर में यह शर्त है कि जो भी राजा अग्नि मंत्र से अग्नि को प्रचंड करके जो भोजन बना के खावेगो उसी के साथ में दमयंती जाए, क्योंकि रानी दमयंती के लिए यह पता था कि अग्नि मंत्र सिवाय राजा नल के और किसी के पास में है ही नहीं। बिल्कुल। तो लाला मई माता पिता के लिए, मैया बापों के लिए अपने बेटा बेटी को त्रास बहुत बुरो लगे और छोरी छापरी को भाई बहुत बुरो। राजा भीम ने सारे देशों में हंस भेज करके सब राजाओं के पास में खबर करा दी कि रानी दमयंती का स्वयंवर है और जो भी कोई राजा अग्नि मंत्र का जाप करके अग्नि प्रचंड करेगा उसी के साथ में रानी दमयंती जाएगी। सो सारे देशों में खबर चली गई पर हंसा काशी में टीकम राजा के यहाँ जब पहुंचे, जब स्वयंवर के 3 दिन रह गए। अच्छा। हाँ, 3 दिन रह गए स्वयंवर के और काशी के टीकम राजा के यहाँ ही सारथी रहता था राजा नल। ठीक। अरे भैया जाके मने की तो मिट गई मनसा, काशी में आए गए हंसा, जाके मन
की मिट गई मनसा, काशी में आए गए हंसा। गया और राजा नल ने देवी मैया को ध्यान करो भैया नहीं चली, कैसे ध्यान करो बताइयो। आसन मार बैठ गयो रथ पे, आसन मार बैठ गयो रथ पे, सुमरिय गुटका वारी मेहताई। आज बाजू में भीतर भरी जा मैया ना हरवाई, तेरे भवन ते लागी सोमत में महतारी जागी, भूरे सिंह पे पाखर डारो सुमर रहो मुए नरवर वारो, मैया गुटका गई ये लगाई नल के पास में कैसे आई है मेरे भैया बताइयो। अरे गुटका गई लगाए भवानी नल के जोरे आई, याए बताए दे नल बेटा तेने काये को बुलवाई, काये को बुलवाई बेटा काये को बुलवाई, ओ काये को बुलवाई मेरे लल्लू काये को बुलवाई, याए बताए दे बेटा तेने काये को बुलवाई। स्वारी है रही है और राजा ललते दुर्गे मैया कह रही है कि बेटा क्या काम है क्यों बुलवाई हूँ। अच्छो जी जब हाथ जोड़ के है गयो ठाड़ो इतनो परन निभाए दे मैया, और के ओ हाथ जोड़ के है गयो ठाड़ो इतनो परन निभाए दे, और बेगी ते बेगी मैया वो तू समद से कर पहुँचाए दे, कल पहुँचाए दे मैया समझ से कल पहुँचाए दे, मैया है गई सिंह सवार। अरे कह तो मंत्र कान में दियो ने भी चल भैया वानर वरिया ने, घोड़ा उड़ गए पंखे पास। सुमरन करके देवी मैया को राज नल ने बीज मंत्र को जाप करके घोड़ा के कान में फूंक दई है, और घोड़ा उड़े रथ को लेकर के, तो कैसे उड़े हैं भैया देखो घोड़ा बताइयो। भैया सुन लो कान लगाए, और उड़ गए घोड़ा आसमान में जैसे कला कबूतर खाए, कभी तो घोड़ा आसमान में कभी धरनी पे उतर आए, बीतत जाए रही सैकारों सो बीतो जाए, जैसे बाण राम के चल रही जो लंका कूदे हनुमान, और या
जब घोड़ा ब्याह रहे भैया घोड़ा है गए पवन समान दोनों नेत्र मुंदे राजा के जो ईश्वर को धर रहे हो ध्यान मानस कहा बाबरो सो दीखे मेरे जाने आए गए भगवान तुक्का दे रो हाँ तुक्का दे दे भैया एक भैया मेरे ऐसी देखी जैसे किलाखम कैसे एक भैया मैंने ऐसी देखी जैसे किला भरतपुर को तेरी बहन की चांद है मारू इतनी तगड़ी हमने भैया दुनिया में नहीं देखी भरतपुर के किले की बरोबर खाए तू खावे का आई भाई मैं बताऊं तो दूंगा के सामान है पैर मन ऐसी देखी जैसे किला भरतपुर को बारे मन को करे कलिए देखो सत्य बिचारी को तीन चार सौ पानी के पी गई दो तो घड़ा कुमारी को तीन खेत तो गाजर के खा गई दो तो बैंगन बाड़ी को छत पे मूतन लागी फूल फूटो रे बाड़ी को तीन दुकान बनियन की बह गई जो तो घर पटवारी को मटर साहब की कोठी बह गई खिस्सा भयो किनारी को हाँ ये तो तेने बताइए मैं भी एक बात बता रहा हूँ नेवीचंद भैया अरे ख्वारी समझो वाई मर्द की जाके घर में दोह नारी भारी समझो भाई मर्द की जाके घर में दो नारी कछु दिना साजे में निभ गई फिर कर दई नारी नारी एक बसाई दे नीचे कोठा में एक बसाई दे अट्टारी और जब भैया रिकॉर्डिंग करके आवे तो देख रहे सब नर नारी और नीचे वारी करे इशारो ऊपर की दे रही गारी गुत्थम गुत्था खिच्चम खिच्चा दोनों ने कर दही भारी कान पकड़ के कहवे लागी और कान पकड़ के कहवे लागी मेरे सुन लो बलम हजारी हाथ जोर ठाड़ो फिर है गो मोई मेरी छोड़ो महतारी समंदर भरा रहे ये बात तो सही है चाहे कितना भी समंदर भरा हुआ हो पर जल के ऊपर कमल का फूल कभी डूबता नहीं है जल में अरे जल के अंदर कमल न डूबता अथा समंदर भरा रहे बिन छेड़े बिसियर ना काटे बेशक जल में परा रहे अब बिन खाए कोई मरता नहीं चाहे जय हथेरी पर धरा रहे बिना हंसे न फंसे रड़ुआ पीछे परो रहे अच्छा रणवाल के ऊपर आ गई बिल्कुल नेमचंद भैया जी एक बात बता रहा हूँ रणवाल ने कभी मत छेड़ो ये तो वैसे ही भगवान के मारे हुए हैं बेचारे अच्छा रणवाल ने कोई मत छेड़ो भाई ये मारे करता रन ने और जब जब राती अंधेरी आवे धक्का दे तिवारन में कहूं वो खेते पट जाए कोई कहूं ढूंढत डोले ज्वारन में कहूं भी दंदू ना लगे तो पहुंचे जाए कुम्हारन में देख मैं बताऊं तो बात रंडवा की हुई दो खाते तो बहुत तड़ी रंडवा में दो चीजें रंडवा के पास दो चीज पक्की मिलेंगी ओरिजिनल भैया की धके ना वो कौन सी चीज है दो रंडवा के पास जो खास है भाई अब बताओ मैं तो दो ही चीज मिले रंडवा के और चीज सब बाकी है दो ही चीज मिले रंडवा के और चीज सब बाकी है एक तो गाढ़ी छाक मिले और खुटी खुटाई चाकी राखे खुटी खुटाई चाकी है अरे उड़ गए नलो के घोड़ा हो उड़ गए नल के घोड़ा बीत गयो गामासानो घोड़ा भी तो गए घामोसान उड़ गए नल के घोड़ा भी तो गए
भैया भी तो गए घमसान। अरे ऐसे रथ जाए रहे हो राजा नल को जैसे हरि के चलाता भी। सनन सनन है गई अंबर में नभ में बीत गयो ऐसे कारो रथ में बैठो त्रिकम राजा बनो ये सारथी नरवर वारो। त्रिमूर्ति के सिट में भैया ढोला है रे आज हमारो रूप सिंह मेरो खास सुरैया ने भी चंद प्राणन को गारो। और एक बात है भैया नेवी चंद जी, ये संसार है इसमें आए हैं कोई बात नहीं, पता नहीं कितने दिन का क्या है। अरे हस बोल बखत कट जाएगो रे, ओ हस बोल बखत कट जाएगो। हंसा बिनाई हंसा बिनाई परन उड़ जाए। क्या कहना मेरी कोको कोला की बोतल है। अरे भैया थोड़ी सी जिंदगानी, ओ मिंत्र थोड़ी सी जिंदगानी, ओ कायक फसोए लोभ में प्राणी। अरे तेरी अमर न रही काया जैसे डरती रहे वृक्ष की छाया। भैया सुन ले ध्यान लगाए, अरे घंटा डेढ़ लगन ना दियो पहुंचे समदो शिखर में भैया। दमयंती के स्वयंवर के पत्रों के हिसाब से देश देश के राजा एकत्रित थे वहां। राजा टीकम भी पहुंच गया राजा नल के साथ। अच्छो जी बड़े बड़े भूप जुरे व समद शिखर में अपनी अपनी तान दिखा में। ओडर है गे राजसभा में वृदावली कह तो चले आवे। अरे जो क्या शर्त थी हाँ, अरे अग्नि मंत्र ते अगन जराए के जो भोजन कर जाएगो। ये शर्त है स्वयंवर की। और के तो अरे अग्नि मंत्र ते अगन जराए के जो भोजन कर जाएगो। और राजा भीम की बेटी धुमेती है वो हीरे ले जाएगो। कोई बिहार ले जाएगो समझ ले, कोई बिहार ले जाएगो। राजा भीम की बेटी है रे कोई बिहार ले जाएगो। अरे ये शरत को सुन के भैया सब को चढ़ी गयो जाड़ो। सुमरन करी के महतारी को नल भयो सभा में खाड़ो। भयो सभा में खाड़ो जाए दिन भयो सभा में खाड़ो। अरे भयो सभा में खाड़ो समझ ले भयो सभा में खाड़ो। सुमरन करके मैया को जबो भयो सभा में खाड़ो। सबरी दुनिया देख रही है नल ने कर दियो काम करारो। अग्नि मंत्र को जाप करो ये गंगा जल को छींटा मारो। अग्नि भक्त प्रचंड वही है मिल करके दे दियो जयकारो। और जान गई है दमयंती मन में अब के आए गयो बल में हमारो। जान गई रानी दमयंती के सिवाय राजा नल के और किसी के पास में अग्नि मंत्र नहीं है। ठाड़ो मंजा पत को लाला
भयो आदेश महल में भैया दमयंती आ गई है लेके माला। रानी दमयंती फूलन की माला लेकर के आई है। सज्जनों अम्बे देख रही है सब नर और नारी, राजा बैठे सब छत्रधारी, नल के सिर पे बढ़ी रही केस, अरे ओखा को मारो नरवर मारो जाको बाबरी ने को सो आ। तो प्रिय सज्जनों इधर रानी दमयंती हाथ में माला लेकर के आई है। इधर तो रानी दमयंती माला राजा नल के लिए पहनाने लगी है। एक दृष्टांत ध्यान आ गया। सब लोग कहते हैं कि सीता जी का स्वयंवर हुआ तो सीता जी ने राम जी को माला डाली। शास्त्र कहते हैं इस बात को कि उस समय जिस समय भगवान राम का विवाह हुआ, सीता का स्वयंवर हुआ, उस समय भगवान राम 27 वर्ष के थे, श्री जानकी जी 18 वर्ष की थी। भगवान राम कद के लंबे थे। जानकी जी माला लेकर के आई हैं। जानकी जी कद की छोटी थी। मैं श्री रामचंद्र जी चौकी पे खड़े हो गए और ऊंचे हो गए, शीश पे मुकुट था और ऊंचे हो गए। श्री जानकी जी माला लेकर के जब आई हैं, नारी धर्म के हेतु, नारी धर्म के हिसाब से श्री जानकी जी भगवान राम के कंधे से ऊपर हाथ करके माला नहीं डाल सकती। श्री रामचंद्र जी अगर गर्दन झुका के माला डलवाते हैं तो श्री पुरुषोत्तम राम थे, मर्दों की मर्यादा का उल्लंघन होता है। ना तो राम झुकते हैं ना जानकी जी कंधे से ऊपर हाथ करती है, तो माला कैसे डाली? इस कव्वाली के माध्यम से देखिए। शिव धनुष को तोड़ा राम ने स्वयंवर में, जिस घड़ी नारियां गा रही थी वहां पर मंगल खड़ी खड़ी, कहीं वेद मंत्र गा रहे थे ऊंची तान से। वाह क्या बात, दादरा ही बजता है। कहीं वेद मंत्र गा रहे थे ऊंची तान से, पुष्पों की वर्षा हो रही थी आसमान से, ऊंचा था सिंहासन जहां राम विराजमान थे, सिर पे था मुकुट कंधों पे तीरों कमान थे। जब हाथ में जयमाला लेके आई जानकी, पहराऊं गले में किस तरह वो हैरान थी, कुछ शर्माई कुछ ठिठकी, सीता ने विचारा कुछ शर्माई कुछ ठिठकी, सीता ने विचारा आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा, आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। आंखें इशारे से लक्ष्मण जी को कुछ कहा है जानकी जी ने, हे शेष के अवतार दे दे थोड़ा सहारा, हे शेष के अवतार दे दे थोड़ा सहारा, भूलूंगी नहीं मैं कभी एहसान तुम्हारा। लक्ष्मण जरा सी देर इस पृथ्वी को उठा दे, लक्ष्मण जरा सी देर इस पृथ्वी को उठा दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे। श्री जानकी जी ने इशारा दिया है कि लक्ष्मण तुम शेष के अवतार हो, थोड़ा पृथ्वी को ऊंची कर दो तो मैं राम के बराबर पहुंच जाऊं। लेकिन ये नहीं सोचा पगली, जब पृथ्वी ही ऊंची होगी तो भगवान राम भी तो इसी पर हैं। लक्ष्मण ने अपनी अकल से काम लिया। इतनी जो सुन के बात लक्ष्मण हुए खड़े, इतनी जो सुन के बात लक्ष्मण हुए खड़े, और अपने भैया राम के चरणों में गिर पड़े। फिर रामचंद्र जान गए दोनों की बात को, रामचंद्र जान गए दोनों की बात को, करके नीचा सिर उठाने लगे अपने भ्रात को, करके नीचा सिर उठाने लगे अपने भ्रात को। लग गया सिया का दाब झट जयमाला डाल दी, लग गया सिया का दाब झट जयमाला डाल दी, अब जय हो राजा रामचंद्र जय हो जानकी, हाँ जय हो राजा रामचंद्र जय हो जानकी, ओ जय हो राजा रामचंद्र जय हो जान। सज्जनों यहां तो जानकी जी ने भगवान राम के गले में
माला डाली है, और उधर दमयंती रानी अपने पति के गले में किस प्रकार से फूलों की माला को डाल रही है। अरे गिर गई जो तो नल के चारों नानों में, अपने पति के चरणों में गिर गई है रानी दमयंती और कह रही है महाराज हो गिरे गई नल के चरणन में, सोमत में मोए छोड़ी गई है बारो तार। ओ देख रहे नर और नारी माला सो डारी दई है नल की नार। देव जहा फूलो बरसा में, त्रिया तो भैया गाए रही है मंगलोचार। खुशी भये नर और नारी, बिछड़ो को जाहे मिली गयो बारदार। यादव तेरे माला पहराई, खुशी भये सब मर्द लुगाई। और भीम ने बेटी विदा कराई, राजा संग रथ में बैठाई। बेटी चाय तो खास भरे होए मेवा, करियो पति अपने की सेवा। अरे बेटी ये मेरो आशीर्वाद, अरे पति के चरण में प्रेम सदा होए तेरो। बेटी नारी की होती है मरी, रानी को जीत स्वयंवर ते लायो। काशी में राजा नल आयो, खुल गयो भेदवा राजा नल को टीकम। राजा ने शीश झुकायो, ना हो पतो मुख नरवर वारे, मैंने मेरे नौकर रखवायो। बड़े बड़े ऑर्डर दिए आदेश तू, मेरे घोड़ान को सेवा करवाई। ना हो पतो तू मंजा को बेटा है, राजा गिरो ये चरण में जाई। राजा नल तू ही समझ ले आप, मुकट बंद पे सेवा करवाई है, जाने कैसे कटेंगे मेरे पापो। राजा टीकम कह रहा है काशी की राजगद्दी पे बैठ करके 12 साल की औखा को काट ले ओ राजा नल। नल हाथ जोरी भयो ठाड़ो, याढ़व नल ने वचन उचारो। यही शास्त्र को प्रमाण भूप है, मोए मिलेगो तेली को कुलवारो। विपता तेली के कटेगी जाए, अरे अंधा विपता नाए कटेगी। अब मोए दीजो दीदार का, अब संग वालो खाट खटोला। मेरो पूरो है गयो ढोला, सब मिल के दे दियो जयकारो। यहाँ ते आगे को ढोला होएगो तेली को कुलवारो। मैया को दे दियो जयकारो, त्रिमूर्ति के सिट को रंग न्यारो। हरी राम कह अलावड़े वारो, जो तो सबके चरणन को चीरो। नेमी चंद भैया आशीर्वाद है तुम जैसे गवैयान को, या मैं खोट कहाय कछुवेरो। अरे दिल की मिट गई बहे, छोटे बड़े न पूरा राम राम है। बोलो अचलो छतवारे की।